2 जून को उड़ीसा में देश और रेलवे की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके परिवार के दृष्टिकोण से अगर आप देखें 2 जून से एक आजीवन दुर्घटना की शुरुआत हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अधिकांश लोगों का जीवन बीमा ही नहीं था, पर्याप्त जीवन बीमा तो बहुत दूर की बात है, जीवन बीमा ही नहीं था। जिसकी मृत्यु हुई उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन अब परिवार के लोग सदस्यों को रोज एक आर्थिक दुर्घटना को झेलना पड़ेगा आजीवन, क्योंकि घर कैसे चलाएंगे? जो कमा रहा था वो तो चला गया और अचानक से चला गया। तो क्या आपको लगता है कि किसी बीमा सलाहकार ने उनको संपर्क नहीं किया होगा? इस बात की पूरी संभावना है कि जरूर किया होगा, बताया होगा उसको, पर उसको दुत्कार के भगा दिया होगा। पीछे पड़ जाते हैं, अपने टारगेट के लिए काम करते हैं, ये लोग तो बीमा बेचने के लिए आ जाते हैं, रिटर्न तो कुछ मिलता ही नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म की बात मत करो, इस तरह की कहानियां सुनाकर भगा दिया होगा। इवन परिवार के सदस्यों ने बोला होगा, अरे बीमा में क्या मिलता है, अरे फिर बीमा क्या लेना है, ये आदमी पीछे पड़ जाता है। और अब परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा है? उस जीवन बीमा सलाहकार को नहीं, उन परिवारों को। कौन जिम्मेदार? ट्रेन दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ये तो सरकार मालूम कर लेगी, लेकिन अब जो रोज उस परिवार में आर्थिक दुर्घटना होगी, झेलना पड़ेगा दंश फाइनेंशियल तकलीफों का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है। मुझे नहीं, अपने जीवन बीमा सलाहकार को कॉल करिए, बुलाइए उन्हें, उनसे समझिए कि आपको और आपके परिवार को आजीवन कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए।